वेलकम टू प्रेश अलॉट ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट सब्जेक्ट पर, और लास्ट में हमने एडवोकेट एक्ट को कंप्लीट किया था, और आज हम ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ड्यूटी टू कोर्ट, क्लाइंट, अपोनेंट्स एंड कलीग्स, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स, सो एडवोकेट एक्ट 1961 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश रूल्स के साथ लीगल प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म एंड एथिकल बिहेवियर एंश्योर करने के लिए एडवोकेट्स के ड्यूटीज़ को आउटलाइन करता है। इन ड्यूटीज़ में कोर्ट, क्लाइंट, अपोनेंट और कलीग्स के प्रति जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे ड्यूटी टू द कोर्ट, और ये सेक्शन 7 और 49 को डिफाइन है। सेक्शन 7 में पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिया गया है, जिसके अंदर हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 7 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेक्शन 7 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिक्विटी, अच्छे बिहेवियर के लिए जो भी प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए जो भी रूल्स हैं वो स्पेसिफाइड करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया एम्पावर देती है, और इसमें एडवोकेट के लिए ड्यूटी को स्पेसिफाइड करना भी इंक्लूड है। सो इसके अंदर आता है की ड्यूटीज़ ऑफ द कोर्ट। सो फर्स्ट, जब कोर्ट है तो एडवोकेट की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए कोर्ट के प्रति, तो ये दिया गया है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। एडवोकेट को इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, और ये इंश्योर करते हुए कि कोर्ट में दिए गए सभी स्टेटमेंट्स और प्रेजेंट किए गए एविडेंस ट्रूथफुल और एक्यूरेट हैं। देन नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट फॉर कोर्ट। एडवोकेट को कोर्ट के प्रति रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए, जिसमें कोर्ट के डेकोरम को बनाए रखना, कोर्ट को प्रॉपरली एड्रेस करना, या और कोर्ट में एडवोकेट को ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए जिससे कि उसका बिहेवियर कंटेम्प्टस माना जाए या फिर कोर्ट का अपमान माना जाए। देन नेक्स्ट आता है डिलीजेंस। एडवोकेट को अपने क्लाइंट का डिलीजेंस रिप्रेजेंट करना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके एक्शंस कोर्ट की प्रोसीडिंग को मिसलीड या ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, मतलब बाधित ना करें। देन नेक्स्ट आता है कंप्लायंस विद कोर्ट ऑर्डर। एडवोकेट के कोर्ट के ऑर्डर और डायरेक्शंस अनुपालन करने की, मतलब फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन की जाती है, जिसमें डेडलाइंस और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट इंक्लूड है। मतलब कि एडवोकेट को जो भी ऑर्डर हैं, डायरेक्शंस को कोर्ट के अकॉर्डिंग ही फॉलो करने होते हैं। देन नेक्स्ट आता है फेयरनेस। एडवोकेट को कोर्ट के साथ अपने व्यवहार में फेयरनेस से काम करना चाहिए, और यह इंश्योर करते हुए कि उनका कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कमज़ोर न करे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूटी टू क्लाइंट, जो सेक्शन 49 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि सेक्शन 49 ही डिफाइन करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को। सोशल कंडक्ट, सेक्शन 49 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिक्विटी के रूल्स स्क्राइब करने के अधिकार देती है, जिसमें क्लाइंट्स के प्रति ऑब्लिगेशंस इंक्लूड हैं। देन अब हम इसकी की ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, एडवोकेट की जो ड्यूटीज़ होते हैं क्लाइंट के लिए। सो फर्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। एडवोकेट को क्लाइंट से मिली जानकारी कॉन्फिडेंशियल बनाए रखनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन की, और सिवाय इसके जहां डिस्क्लोज़र ऑथराइज हो या लॉ द्वारा रिक्वायर्ड हो या ज़रूरत हो। नेक्स्ट आता है लॉयल्टी। एडवोकेट का अपने क्लाइंट्स के लिए ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी है, जिसका मीनिंग है कि उन्हें अपने क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहिए, और क्लाइंट की नीड्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंस। एडवोकेट को कॉम्पिटेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिसका मीनिंग है कि उनके पास क्लाइंट के केस इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के लिए नेसेसरी स्किल, नॉलेज, प्रिपरेशन होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। एडवोकेट को अपने क्लाइंट्स को उनके केस की प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, और सिग्निफिकेंट एक्शंस करने से पहले उनके इंस्ट्रक्शंस लेने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी इन एडवाइस। एडवोकेट क्लाइंट को ऑनेस्ट और एक्यूरेट लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेगा, भले ही वह क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन के अलाइंग ना हो। देन नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू अपोनेंट।
रूल्स ऑफ BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अंदर हम की ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट टू अपोनेंट्स की बात करेंगे. सो एडवोकेट की ड्यूटी क्या है अपोनेंट्स के लिए. सो फर्स्ट आता है फेयर प्ले. एडवोकेट को अपोनेंट के साथ डील करते समय फेयर प्ले मतलब अपना ट्रांसपेरेंसी व्यवहार रखना चाहिए, अपना क्लियरली बिहेवियर रखना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके एक्शन में धोखाधड़ी मतलब डिसेट और डिसऑनेस्टी न हो. देन नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट. एडवोकेट को अपने अपोनेंट्स के प्रति रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए और पर्सनल अटैक और डेरोगेटरी रिमार्क मतलब जो भी अपमानजनक कोई भी रिमार्क देना उस सबसे बचना चाहिए. देन नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी इन ट्रांजेक्शन. एडवोकेट को अपोनेंट्स के साथ सभी ट्रांजेक्शन और नेगोशिएशन मतलब बातचीत में ऑनेस्ट होना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि एग्रीमेंट एंड सेटलमेंट ट्रांसपेरेंट हों और आपसी सहमति मतलब म्यूचुअल कंसेंट पर बेस्ड हों. देन नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट फॉर प्रोफेशनल राइट्स. एडवोकेट को अपने ओपिनियंट के प्रोफेशनल राइट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए जिसमें लॉ की प्रैक्टिस करने और अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना उनका राइट भी इंक्लूड हो. देन नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू कलीग. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स इसके अंदर आते हैं. देन इसके हम की ड्यूटीज़ पढ़ेंगे एडवोकेट की, के एडवोकेट की क्या ड्यूटीज़ हैं अपने कलीग के लिए. सो फर्स्ट इसमें आता है कर्टेसी एंड रेस्पेक्ट. एडवोकेट को अपने कलीग के साथ कर्टेसी और रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए जिससे प्रोफेशनल और कॉलेजियल वर्क मतलब जो उनका वर्क एनवायरनमेंट है वो डेवलप हो. देन नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन. एडवोकेट को कलीग्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें शेयरिंग इन्फॉर्मेशन करना और अप्रोप्रिएट होने पर केस में असिस्ट करना इंक्लूड है. देन नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस. एडवोकेट को अनफेयर प्रैक्टिस में शामिल होने से बचना चाहिए जो कलीग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे कि क्लाइंट्स को लुभाना या उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन को कम करना. देन नेक्स्ट इसमें आता है प्रोफेशनल कंडक्ट. एडवोकेट से एक्सपेक्ट की जाती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए या पालन किया जाए जिसमें रेस्पेक्टफुल और ऑर्डरिंग लीगल प्रैक्टिस में कॉन्ट्रीब्यूशन मिले. एंड एट लास्ट कॉन्क्लूजन. सेक्शन 7 और सेक्शन 49 में आउटलाइन जो एडवोकेट के जो ड्यूटीज़ हैं और बार काउंसिल द्वारा रूल्स लीगल प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनलिज्म और एथिकल स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. ये ड्यूटीज़ इंश्योर करती हैं कि एडवोकेट कोर्ट अपने क्लाइंट अपोनेंट और कलीग के लिए इंटीग्रिटी और रेस्पेक्ट के साथ व्यवहार करे जिससे इफ़ेक्टिव और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कॉन्ट्रीब्यूशन मिले. सो आज हमारा ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जो भी एडवोकेट की ड्यूटीज़ हैं कोर्ट के प्रति, कलीग्स के प्रति, क्लाइंट के प्रति, अपोनेंट के प्रति, इन टॉपिक को हमने आज कवर कर लिया है. देन अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि आपके इस सब्जेक्ट का, इस लेक्चर सीरीज़ का लास्ट टॉपिक होगा, ड्यूटी टूवर्ड्स सोसाइटी. सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ. सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.